subscribe and click the bell icon for all the television updates. सीरियल मुस्कान ने किए अपने 200 एपिसोड्स पूरे और इस मौके पर किया गया केक कटिंग और हुआ सेलिब्रेशन। काफी समय के बाद टीवी के हॉट डूड वरुण सोबती आ रहे हैं बड़े पर्दे पर अपनी नई फिल्म 22 यार्ड्स लेकर, जो 22 फरवरी को होगी रिलीज। जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा को मिला लायन अवार्ड 2019 में सीरियल बेपनाह के लिए अवार्ड। दोनों इस अवार्ड को लेकर काफी खुश दिखे। बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट सृष्टि रोड ने किया अपनी डेब्यू फिल्म गबरू गैंग का अनाउंसमेंट। अप्रैल में होगी फिल्म रिलीज। माय फिल्म्स नेम इज गबरू गैंग एंड आज गबरू गैंग का टीजर आउट हुआ है, विच आई एम गोइंग टू शेयर वेरी सून in some time and yes it's expected to release in April. Hashtag 10 year challenge में किया करण कुंद्रा ने ये फोटो अपलोड, जिसमें वो दिख रहे हैं कृतिका कामरा के साथ। क्या करण कर रहे हैं कृतिका को मिस। अंकिता लोखंडे ने किया विकी जैन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म, पर मैडम को शादी की नहीं है कोई जल्दी। सृष्टि रोड के ब्रेकअप के बाद से ही लोग रोहित और सृष्टि को कर रहे हैं लिंकअप, पर इस बार सृष्टि फाइनली बोल पड़ी जब स्पॉट बॉय ने अपने एक आर्टिकल में उन्हें और रोहित को कहा लव बर्ड्स। अंकिता लोखंडे ने फाइनली जनता को जवाब दिया अबाउट द इंस्टाग्राम पिक्चर, जिसमें उन्होंने किया है ताहिर शब्बीर को ब्लर। अंकिता ने बताया कि यह हरकत उनकी नहीं बल्कि उनके पीआर की थी। मैंने नहीं किया था यार, मेरी पीआर ने किया था। आई वांट टू ब्लेम माय पीआर फॉर दिस। दीपक कलाल को किसी ने उनकी हरकतों के लिए गुड़गांव में पीटा, जिस पर राखी सावंत ने किया उनका जमकर सपोर्ट। कि लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई लॉ कानून पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। टेरी मसाला ने इस हफ्ते भी अपने व्यूवर्स के एंटरटेनमेंट क्वेश्चन को बरकरार रखने की कोशिश की, जिसमें शीना बजाज और रोहित पुरोहित ने बताया हमें अपने ब्यूटी सीक्रेट्स और वेडिंग प्लान्स इन सैलो टाइम। प्रैक्टिस हमारी चालू शुरू प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और यहीं पर नहीं, जयपुर में भी रिलेटिव्स हैं और ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये सरप्राइज होगा ये, और ये आप सब लोगों को उस दिन जरूर देखने को मिलेगा। जेमी लिवर ने भी बताया कि क्या क्या रखती है वो अपने बैग में। और पब्लिक ने बताया कि उन्हें क्यों पसंद है खतरों के खिलाड़ी सीजन 9। इट इज एंटरटेनिंग अस, वी लाइक टू सी दैट, सो आई लाइक इट। वो लोग फोबिया के साथ डील करते हैं, वही एंटरटेनिंग है। और रोहित शेट्टी और भारती का कॉम्बिनेशन, वो स्टंट है, वो सब अच्छे लगते हैं। उसमें भारती है। हां भारती, बिकॉज़ वो कॉमेडी करती है और वो एंटरटेन करती है इसके लिए। आई लाइक द जजमेंट ऑफ द रोहित।